जय माता दी। दोस्तों, पूजा शक्ति में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है, आज के दिन जो है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन है। आज के दिन आप जो है माता लक्ष्मी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है ज्यादा किसी प्रकार की कोई दुविधा भी नहीं होगी। करना क्या है, आपको 11 पीली कौड़ियां ले लेनी है। ये पीली कौड़ियां आपको जो है इतने बड़े आकार की लेनी है। ये कोशिश करिएगा कि ये जो पीली कौड़ियां हैं ये एक ही साइज की हो, ऐसे छोटी बड़ी ना हो। और असली आपको जो है आसपास की किसी भी जो शॉप है, पूजा घर की शॉप है, वहां मिल जाएगी। इसके साथ में आपको जो है लाल एक साटन का कपड़ा जो होता है, रेशमी कपड़ा जिसे कहा जाता है, वो लेना है। और ये भी कपड़ा जो है नया आपको लेना है। इसके साथ में आपको 11 चावल के दाने लेने हैं, जो बासमती चावल होते हैं। और आपको करना क्या है, अब माता लक्ष्मी का अगर आपको कोई मंत्र आता है तो उस मंत्र के साथ में आपने अगर कोई हवन यज्ञ आप लोग करते हैं, आहुति अगर आप लोग देते हैं अपने घर में, तो आप वो देने के बाद जो है इस पोटली को पूरी रात जो है माता लक्ष्मी की पूजा घर में रखे रहने दीजिए। और उसके बाद सुबह जो है आपको इसको बांधना नहीं है। रोली की सहायता से आपको क्या करना है, सिर्फ इसके आसपास रोली को जो है एक तरीके से बिना गिठान लगाए आपको जो है इसे फोल्ड करना है। और उसके बाद में जो है कल का दिन सूर्य ग्रहण से पहले जो है आप इसे अपनी तिजोरी में रख लीजिए। अगले साल जो है आपको इसको फिर से चेंज करना है, और ये जो पुरानी कौड़ियां हैं इन्हें आपको पानी में बहा देना है। ऐसा करने से कहा जाता है कि पीली कौड़ी